नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK जॉब अलर्ट में। इस चैनल पे आपको रोजाना गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट दी जाती है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज के ताज़ा अपडेट। दोस्तों CAGDI रिक्रूटमेंट 2020 टोटल पोस्ट आएगी आपकी 2167, ठीक है जी। अप्लाई करने की कोई भी फीस नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखेगा, जिससे कि आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में पूरी डिटेल मिल सके। और जो मेरे भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स का वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। ये हैं सेंट्रल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक है जी। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं CAGDI.in, ठीक है जी। इसमें नई एडवर्टाइजमेंट आई है सीधे डायरेक्ट भर्ती के लिए, इसके ऊपर आप देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके आप लिंक पे जाएंगे, यहाँ पे सीधे भर्ती हेतु आवेदन विवरण, ठीक है जी। इस पर क्लिक करने वाले PDF फाइल है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है, ठीक है जी। ये है आपका, ये लेटर नंबर दे रखा है और ये आपको दिनांक दे रखे हैं 20 मई 2020 का नया नोटिस आया हुआ है। ये केंद्रीय कृषि विकास संस्थान भारत सरकार का उपक्रम, ये एसोसिएट सेंट्रल हेडक्वार्टर हाउस नंबर 140 सेक्टर 31 गुड़गांव हरियाणा NCR, ठीक है जी। पिन नंबर दे रखा है, सीधी भर्ती हेतु आवेदन पत्र दिया हुआ है। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट है, क्या पद का नाम है, कितनी पदों की संख्या है और आपको कहाँ पे इसकी ज्वाइनिंग होनी है, और आपकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में देखेंगे, आपको पर मंथ कितनी सैलरी दी जाएगी और आपकी एज लिमिट क्या रहेगी, ठीक है जी। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और कैसे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट पोस्ट का नाम दिया हुआ आपका मुख्य निवेश अधिकारी, आपके इसमें टोटल पोस्ट रहेगी 36, ठीक है जी। पदों की संख्या रहेगी 36 और यह प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश में कर दिया, ये दिया भारत सरकार के समस्त राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश हुए तो, ठीक है जी। ऑल इंडिया से आप कहीं पे भी से में अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें आपको MCOM या MBA और आपके पास 3 साल का अनुभव होना चाहिए मुख्य निवेश अधिकारी के तौर पर, ठीक है जी। आपको सैलरी दी जाएगी 45,000 रुपये, यानी 45,000 सैलरी दी जाएगी पर मंथ। आयु की बात करें तो आयु आपकी एज लिमिट काउंट होगी 1 अगस्त 2020 से, ठीक है जी। यानी कि आपकी अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है जी। और परीक्षा शुल्क यानी कि आपका कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। सेकंड पोस्ट की बात करते हो, सेकंड पोस्ट का नाम है निवेश प्रबंधक, ठीक है जी। टोटल पोस्ट आएगी 99, ये भी आपके राष्ट्र सरकार के समस्त राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पोस्ट रहेगी। इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी BCOM या फिर आपकी BBA और साथ में आपको 1 साल का अनुभव होना जरूरी है। इसमें आपकी सैलरी रहेगी 38,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। और आपकी ये जो एज लिमिट रहेगी ये आपकी 35 वर्ष रहेगी। एप्लीकेशन फीस 0 रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट का नाम है सहायक निवेश प्रबंधक, टोटल पोस्ट रहेगी 996, ठीक है जी। ये आपके ऑल इंडिया के लिए है। इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा BCOM या फिर स्नातक, ठीक है जी। इसमें आपकी सैलरी दी जाएगी आपको 20,500 रुपये पर मंथ और एज लिमिट रहेगी आपकी 35 साल और कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें, नेक्स्ट पोस्ट का नाम है व्यवसाय प्रतिनिधि। इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है दोस्तों, ये है 1,036 पोस्ट रहेगी। ये भी ऑल इंडिया के लिए है और इसमें आप न्यूनतम हाई स्कूल अथवा राज्य स्तरीय समक्ष परीक्षा यानी आपकी 8वीं पास हो, ठीक है जी। 8वीं पास के बीच में अप्लाई कर सकते हैं 8वीं 10वीं वाले भी। सैलरी रहेगी आपकी 16,680 रुपये पर मंथ रहेगी और ये देर का संस्थान द्वारा प्रस्ताव स्वीकार्यता के क्रम है तो, ठीक है। इसमें लगभग आपकी 30 से 32 साल एज लिमिट दी हुई है, ठीक है जी। और आपकी एप्लीकेशन फ़ीस 0 यानी कि कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी। अब बात कर लेते हैं भी आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है, ठीक है जी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके लिए। अब देख लेते हैं इसमें नोट दिया है, संस्थान उक्त पदों के लिए सीधी भर्ती हेतु अल्पकालीन आवेदन आमंत्रित करती है, ठीक है जी। आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगी, 1 साल 2 साल 6 महीने के लिए हो सकती है, ठीक है जी। इच्छुक पात्र अभ्यर्थी, ठीक है, संस्थान की ईमेल आईडी पे अपना बायोडाटा सीधे प्रस्तुत करें, ठीक है। ये आपके ईमेल आईडी दे रखी, इस पर आपको डायरेक्ट अपना रिज्यूम बनवा के और आपको इस पर ईमेल आईडी पे सेंड करना है, ठीक है जी। ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हो या आप वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो।
ईमेल आईडी दे रखी है cagdi.india@gmail.com, ठीक है जी। इसके ऊपर आप डायरेक्ट अपना बायोडाटा सेंड कर सकते हो रिज्यूम बनवा के, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट देवा है नियुक्ति प्रक्रिया साक्षात्कार के आधार पर सुनिश्चित की जाएगी, ठीक है, जिसमें आपका डायरेक्ट इंटरव्यू रहेगा, कोई भी आपका इसमें रिटन एग्जाम नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट दे रहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट दिया है बायोडाटा फोटो युक्त आवेदन 25 जून 2020 तक स्वीकार किए जाएंगे, ठीक है। जो आप बायोडाटा जो रिज्यूम बनाओगे उसके ऊपर आपके फोटो लगी हुई होनी चाहिए, ठीक है जी, या फिर उसको फोटो लगा के स्कैन करके आपको ईमेल आईडी के थ्रू भेजना है। लास्ट डेट रहेगी आपकी 25 जून 2020 रहेगी, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका जो आपका इंटरव्यू स्थल होगा, जहाँ पे इंटरव्यू प्लेस है, दिनांक की सूचना, शैक्षणिक संस्थान की वेबसाइट, ये जो मैंने आपको नोटिफिकेशन बता रही हूँ ऑफिशियल वेबसाइट से बता रहा हूँ, यहीं की ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है, इसके ऊपर दी जाएगी, ठीक है जी। आप देख सकते हो www.cagdi.in पे, ठीक है जी। इसके ऊपर आपको फिर बाद में इंटरव्यू के लिए बताया जाएगा आपका इंटरव्यू कहाँ पे होना है, किस डेट को होना है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका और पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, संस्थान समस्त परिवर्तनों संशोधन द्वारा अधिकारों को अपने पास सुरक्षित रखती है, ठीक है जी। यानी कि पदों की संख्या घटाई बढ़ाई भी जा सकती है और आपको इसमें कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी, आपको सिर्फ एक आपका एक्सपीरियंस का एजुकेशन क्वालिफिकेशन का एक अच्छा सा रिज्यूम बनवाना है और रिज्यूम बना के उसके साथ में फ़ोटो लगा के आपको स्कैन करके ईमेल आईडी पे भेज सकते हो, ठीक है जी। ये ईमेल आईडी दी हुई आप एक बार फिर से देख सकते हो, ठीक है जी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, ईमेल आईडी एक बार फिर से आप देख लीजिए, क्योंकि अप्लाई करने की कोई फीस नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हो। सीवी आपको एक मोबाइल से या डेस्कटॉप के थ्रू एक इसे उनको एक मेल भेजनी है। ये भाई ईमेल आईडी फिर से दे सकते हो आप cagdi.india@gmail.com, ठीक है जी। और आपके लास्ट डेट रहेगी 25 जून तक, ठीक है जी। बायोडाटा जो आप भेजोगे ईमेल आईडी के थ्रू आपको 25 जून से आपको पहले पहले भेज देना है। आप ये पोस्ट दे सकते हो, कैटेगरी वाइज तो दी हुई नहीं है इन्होंने, फिर भी आप दे सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ठीक है जी। योग्यता और सैलरी के बारे में पूरा इसमें डिटेल दी हुई है और ये आप वैकेंसी दे सकते हो, हरियाणा गुरुग्राम की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है जी। रियल इंडिया लेवल के लिए भर्ती रहेगी आपकी। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इसे ज़रूर शेयर करें, और जो मेरे भाई बहन इस चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी आगे आने वाले सभी गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।